कि जिन कैंडिडेट्स ने एक से ज्यादा लेवल में क्वालिफाई कर दिया राइट, उसके कारण सपोज मान लीजिए लेवल थ्री में जो लेवल फाइव का कैंडिडेट वो भी क्वालिफाई हो गया है, तो वो लेवल थ्री में कोई एक कैंडिडेट को जो क्वालिफाई नहीं हुआ उसे लगता है कि अगर उसको यूनिक के हिसाब से काउंट करते तो शायद उसको भी मौका मिल जाता मेन एग्जाम देने, बराबर है। ये मुद्दा ही है। अब जो नोटिस इनवाइटिंग एग्जाम है, एग्जाम का जो नोटिफिकेशन होता है उसकी एक सेंसिटिविटी है, वो का मैटर है, वो लीगल मैटर हो जाता है। एग्जैक्टली उसके हिसाब से किया गया एग्जाम का, एग्जाम को उसी हिसाब से कंडक्ट किया गया, उसी हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग की गई। अब जब ये मुद्दा आया है तो इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा राइट। तो आपका जो प्रश्न है, आपका प्रश्न डाली जाए कि क्यों है आपके सामने डेटा सामने रखे हुए हैं, डेटा आप सबके सामने है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है कोई, और ये डेटा हमने पहले दिन ही दे दिया था। आपको कुछ रास्ता आप नहीं दिख रहा है क्या? ये जो कमेटी रिपोर्ट देगी क्या उसके अगेंस्ट देगी जो आपके टर्म कंडीशंस पहले वाले थे? बात नहीं है ना कि आपकी बात फिर लोग मोड़ जाएंगे, नहीं आपने को तरीका ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, कोई तो ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका भी करियर इफेक्ट हो, उनके प्रोस्पेक्ट्स भी कमजोर ना हो, और जो लोग एक सवाल अगर आपके मध्य से।